इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। जल चंदन अक्षत पुष्प दीप ने वेद धूप फल लाया हूं। गाड़ी वाले सड़कों पर क्यों चल रहे हैं? गाड़ी वाले सड़कों पर क्यों चल रहे हैं? और अकड़ने वाले झुककर क्यों आ रहे हैं? किसी ने पूछा, क्या तुम्हारे शहर में संत आ रहे हैं? यहां पर आना हुआ, प्रवचन अभी नहीं, अभी केवल बातचीत थोड़ी सी। इतना ही निवेदन है कि यहां की युवा शक्ति, यहां का युवाओं का जागरण बहुत जरूरी है। और युवा से मेरा मतलब कि युवा भारत का भविष्य होता है, युवा समाज का भविष्य होता है, युवा धर्म का भविष्य होता है। एक बात याद रखना, मैं जहां तक ये सोचता हूं कि जिन मंदिरों में बूढ़े ही बूढ़े जाते हैं वो मंदिर बूढ़े हो जाते हैं, और जिन मंदिर में युवाओं की भीड़ रहती है मंदिर जवान हो जाया करते हैं। जाने रखते हैं। मैं तुम्हारे मंदिरों को जवानी देने आया हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ों का प्रवेश प्रतिबंध है। अरुण पाटनी देख रहे हैं, डीबी जी कासलीवाल मुस्कुरा रहे हैं। एक बात याद रखना, बूढ़े से मेरा तन से संबंध नहीं है। जो आदमी कह लेता है कि मेरा जमाना पहले भी था और मेरा जमाना आज भी और हमेशा रहेगा, वो 80 साल का बूढ़ा भी जवान हुआ करता है, ध्यान रखिए। और जो भरी जवानी में सोच लेता है कि अब मुझसे ये नहीं होगा, अब मैं ये नहीं कर सकता हूं और अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला,
मैं पुलक सागर कहता हूं, वो 23 साल का जवान भी किसी बूढ़े से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, तन के बूढ़े हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आदमी को मन से कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मन से जवान होना चाहिए। महानुभाव, आज लगभग 2009 जनवरी में सम्मित शिखर जी बिहार के बाहर, जो कि कचनेरी से सम्मित शिखर जी के लिए बिहार प्रारंभ हुआ था, तो 2009 में जनवरी में औरंगाबाद से निकले थे और आज पुनश्च जुलाई 2022 में औरंगाबाद पहुँचे। कल से मैं देख रहा था, सुन रहा था, जहाँ जहाँ भी अनाउंस हो रहा था, जहाँ जहाँ पेपर में समाचार आए थे, लोग आ रहे थे, बोले महाराज जी हम लोग आप दोनों संतों का मिलन कराने वाले हैं। ये 4-5 दिन से विचार चल रहा था, तो मैं उनको देखता था और सोचता था, कहते हम लोग संतों का मिलन कराने वाले हैं, तो मैं उनको देखता था और सोचता था, फिर मैंने कहा मौके पे बोलूँगा, क्योंकि वहाँ बोलता तो 2-4 लोग सुनते हैं, यहाँ बोलूँगा तो सुन लेंगे। तो मैं उनको देखता था और सोचता था, तुम हमारा क्या मिलन कराओगे, हमारे चक्कर में तुम्हारा सबका मिलन जरूर हो जाता है, तुम संतों का मिलन क्या कराने वाले हो। आज जब संत आपके यहां पर आते हैं तो आप क्या करते हो, एक दूसरे को देखकर जो आपका फेस घर में बिगड़ा भी हो, तो जब संत के पास में आते हो तो क्या होता है, अपने आप क्या होता है, दिखावटी ही सही, बनावटी ही सही, लेकिन स्माइलिंग आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जैसा चेहरा लेकर आप हमारे पास में आओगे, वैसा ही चेहरा लेकर आप वापस घर जाओगे। तो हंसते मुस्कुराते आइए और हंसते मुस्कुराते हुए जाइए। एक बार ये बात मैंने कही एक जगह, तो एक आदमी आया, बोले महाराज जी आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा कैसे, बोले आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा कैसे, बोले मैं आपके पास भी हाथ जोड़कर आता हूं और अपनी पत्नी के सामने भी हाथ जोड़कर जाता हूं। बोले आपके पास भी आता हूं तो हाथ जोड़कर आता हूं और घर में जाता हूं तो पत्नी के पास भी हाथ जोड़कर जाता हूं। मैं कुछ बोला नहीं, उसको लगा महाराज जी कोई क्रिया होगी, कोई प्रतिक्रिया होगी, कुछ होगा। बोले महाराज जी कुछ तो बोलिए। मैंने कहा क्या बोलूं, जब तू खुद अपनी पत्नी के सामने नहीं बोल पा रहा है तो मैं क्या बोलूं। बोले महाराज जी मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मेरा कारण अलग है, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते, क्या कारण है। तो मैंने उसको बताया, समझाया कि जब तुम मोहल्ले में चलते हो, सड़क पर चलते हो, तो तुमसे लोग डरते हैं। बोले महाराज जी आप मोहल्ले सड़क की बात कर रहे हो, नगर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझसे ऊंची आवाज उठाकर बात करे, मैं शेर की भांति चलता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम जब घर पर जाते हो तो तुम्हारी आवाज बंद क्यों हो जाती पता है, आप सबको पता है ये सब बोल रहे हैं हमें पता है, क्या होता है, जब तुम घर पर जाते हो तो तुम्हारी आवाजें क्यों बंद हो जाती हैं, क्योंकि शेर जब अकेला चलता है तो दहाड़ता है, लेकिन जब उसके ऊपर दुर्गा सवार हो जाती है तो दुर्गा बोलती यहां चल तो वहां चलता है, वहां चल तो वहां चलता है। तो जैसे ही घर पर शेर पहुंचता है सवार हो जाती है तो फिर शेर क्या करेगा, दुर्गा के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। औरंगाबाद यहां धर्म, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, समर्पण, हर चीज का संगम यदि कहीं पर है तो औरंगाबाद है। यहां पर मैं समझता हूं कि पूरे भारत में अनेक शहर हैं, अनेक धर्म नगर हैं, लेकिन यदि पूरे भारत देश के यदि वर्तमान में 100 आचार्य हैं तो ऐसा कोई संत नहीं होगा, ऐसा कोई संघ नहीं होगा जो औरंगाबाद में ना आया हो। औरंगाबाद में प्रत्येक संघ के साधु आ चुके हैं, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा आचार्य हो और चाहे छोटे से छोटा नवदीक्षित मुनि महाराज हो, हर संघ का साधु औरंगाबाद में आता ही है। औरंगाबाद जब व्याख्या करने जाए तो औरंगा को हटा दें तो क्या बचता है, क्या बचता है, बोलिए ना क्या बचता है, बाद।
यहां औरंगाबाद में जब औरंग को हटा देते हैं तो बाद बचता है, लेकिन यहां औरंगाबाद में ना तो बाद है ना विवाद है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ संवाद है, लोगों के प्रति प्रेम है, संवाद है और संवाद का वातावरण है। वाद विवाद से लोग 200 कोसों दूर है, क्योंकि वाद का स्थान नहीं है, विवाद का स्थान नहीं है, सिर्फ यहां पर लोग संवाद करते हैं और सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। तो बाद निकल गया, अब और क्या है, और क्या है? तो औरंगाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन और चाहिए तो संतों का समागम और हर साल चाहिए, उसका नाम है औरंगाबाद। अन्यत्र कहीं पर भी सालों में चौमासे होते हैं और यहां सालों से चौमासे हो रहे हैं। क्या है? अन्यत्र कहीं पर लोग सालों जब इस प्रयास करते हैं, जब जाकर चतुर्मास होते हैं, और यहां पर सालों से चतुर्मास ही होते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी 10-12 पिछी का संघ था, जहां कोरोना काल में लोग साधुओं को बुला नहीं रहे थे कि बोले महाराज जी आएंगे तो भक्त आएंगे, भक्त आएंगे तो बीमारी भी आएगी, इस डर में लोगों को बुला नहीं रहे थे। लेकिन उस दौरान भी बताते कि 8-10 माता जी का संघ का चौमासा भी राजा बाजार में हो गया। मैं पिछले कई सालों से सुनता हूं कि राजा बाजार जैन मंदिर चलना है, राजा बाजार जैन मंदिर चलना है, तभी सब कह रहे कि राजा बाजार अब चलना है, लेकिन मैं यहां चारों तरफ देख रहा हूं राजा कोई मिल ही नहीं रहा है। क्या है? राजा बाजार चलना है, राजा बाजार चलना है, लेकिन राजा कोई नहीं है। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं कि राजा बाजार तो है ही सही, लेकिन राजा बाजार का नाम राजा बाजार नहीं महाराजा बाजार हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यहां पर हर समय आपको महाराज देखने को मिलते हैं, राजा तो मैंने आज तक देखा नहीं, आपने देखा कि नहीं पता नहीं, अभी महाराज जी बता रहे थे। यहां पर दीक्षाएं भी होती हैं, यहां पर आचार्य उपाध्याय गरणी पद भी होते हैं, यहां चतुर्मास होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके जीवन का एक यह पुण्य है, भाग्य है कि यहां पर जो महाराष्ट्र की राजधानी माया नगरी, वहां से चलकर आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज आ रहे हैं, और भारत देश की राजधानी दिल्ली से हम सौभाग्य सागर महाराज चलकर आ रहे हैं, और दोनों का मिलन, दोनों का समागम, दोनों का कार, ये राजधानी तो नहीं है, एक भारत देश की राजधानी है, एक महाराष्ट्र की राजधानी है, और उन दोनों का समागम धर्म की राजधानी, धर्म की राजधानी औरंगाबाद में हो रहा है, कि जो धर्म की राजधानी है वो देश की राजधानी है, वो महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन धर्म की राजधानी है तो कौन सी है? औरंगाबाद। और यहां पर आप सभी को ज्ञात है कि हमारे जीवन का एक संकल्प था, मन के भाव थे कि साधु जीवन का 23वां चतुर्मास हमारे आराध्य, आपके आराध्य, जन जन के आराध्य कचनीर वाले पारसनाथ भगवान हैं, उनके चरणों में करें। लगातार सबसे पहले जीवन में 2004 में हम मालेगांव चतुर्मास करके औरंगाबाद कचनीर आए थे, और उसके बाद से लगातार औरंगाबाद के लोग संघ से जुड़े हुए हैं, गुरुओं से जुड़े हुए हैं, और सारी सेवाओं में तत्पर रहते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आप लोग प्रयास करो ना करो, आप लोग ऐसे सुरक्षा चक्र में बैठे हो। अभी जब बीमारियों का दौर था, चारों तरफ बाड़ बनाई जा रही थी संतों के दर्शन के लिए, कॉलोनियां बंद करी गई, लेकिन आप सभी का पुण्य है, आप औरंगाबाद ऐसा शहर है जो चारों तरह से सुरक्षा चक्कर के बीच में है। एक तरफ एलोरा है तो एक तरफ जटवाड़ा है, एक तरफ पैठन है तो एक तरफ चिंतामणि पारसनाथ भगवान है, और इन सब के बीच में भगवान के भक्त बैठे हुए हैं। जब आपके ऊपर चार चार भगवान, चार चार तीर्थ, और आगे चले जाओ तो मांगी तुंगी गजपंता सिद्ध क्षेत्र है, और दक्षिण की ओर चले जाओ तो कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र है। इन सब के बीच में आप रहोगे तो आपको क्या होगा? आपको भक्ति करना ही पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं, अभी मैं जब आ रहा था तो काफ़ी साल बाद आना हुआ, एक दादाजी आए, बोले महाराज जी मुझे पहचान लिया, फिर बोले महाराज जी पहचान लिया, मैंने कहा आशीर्वाद। फिर मुझे दादाजी को देखकर लगा, एक बात याद आई कि बार बार इसलिए कहता है कहीं इसको ही भूलने की बीमारी तो नहीं है। जो आदमी बार बार आके कह रहा है मुझे पहचान लिया, मुझे पहचान लिया, तो मुझे लगा कहीं इसको ही भूलने की बीमारी तो नहीं है। ऐसे होता है जो बार बार बोलते, बार सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, भैया हमें तो सुनाई दे रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं बताओ। एक बार ऐसे ही हुआ, तीन महिलाएं
अपनी वार्तालाप कर रही थी। एक बोली, बोले बहन क्या बताऊं, बोले बहन क्या बताऊं, मैं अपने पति को बाजार में टमाटर लेने भेजती हूं, वह मटर लेकर आ जाता है। दूसरी बोली, तुम्हारा तो ठीक है, बोले मेरा तो और क्या बीतता है। बोले क्या, बोले मैंने एक बार बोला छोटे बच्चे को स्कूल से ले आना, छोटे बच्चे को स्कूल से ले आना, वो इतना भुलक्कड़ है कि भतीजे को लेकर स्कूल से आ गया। तीसरी बोली, बहन तुम दोनों तो अच्छी हो, तुम दोनों तो अच्छी हो, बोले मेरा तो भुलक्कड़ नहीं महाभुलक्कड़ है। बोले क्यों, बोले एक बार मैं चौराहे से जा रही थी, मुझे रुक कर कहता है बहन जी आप कहां से आ रहे हो। एक बार मैं चौराहे से जा रही थी, मुझे रुक कर कहता है बहन जी आप कहां से आ रही हो, बताओ ये हाल है। तो लोग ऐसे ही करते हैं कि भूलने की आदत पड़ गई है, और हमसे पूछते भूल तो नहीं गए। अरे भैया हम आपको भूल जाएंगे तो हमारा कल्याण है, लेकिन यदि आप संतों को भूल जाओगे तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा। संत आपको याद करें ना करें, लेकिन संतों को आप याद करो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज यहां पर जैसा महाराज साहब ने बताया कि जो परंपरा है, और बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ ऊपर से नीचे तक जितने साधु हैं ये सब आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के, आचार्य श्री कुंतू सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी, पुष्पन सागर जी, सन्मति सागर जी और सिद्धांत सागर जी महाराज और सौभाग्य सागर जी और पुलक सागर जी के शिष्य हैं। अर्थात आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का जो बड़ा पेड़ लगा हुआ है उसकी छोटी छोटी टहनियाँ हैं, और इतने सारे मंच पर माता जी भी हैं और महाराज जी भी और हम लोग दोनों भी हैं, तो एक ही उसके हैं। जब क्रांतिकारी संत मुनि तरुण सागर जी महाराज की समाधि हो रही थी, उस समय मैं दिल्ली में था। मैं दिल्ली में पहुंचा, एकदम अकस्मात समाचार है, मैं वहां पर पहुंचा और जो हम साधु कर सकते थे वह कार्य किया। तो उस दिन महाराज साहब शायद बारावती में विराजमान थे या जहां 2018 में, वहां पर महाराज साहब का संदेश आया, उन्होंने कहा कि तरुण सागर महाराज की आदर्श समाधि देखना। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार दिल्ली।